हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नई रिक्रूटमेंट, नई नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जो है 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मेल फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स यहां पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं क्लास क्वालिफाई कर रखा है किसी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और साथ ही साथ आपको जो है कम से कम 6 महीने का जो है कंप्यूटर कोर्स बोला गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सैलरी जो है बहुत ही अच्छी खासी है, 26,600 से लेकर 90,000 तक का आपको जो सैलरी मिलने वाला है। ग्रेड 3rd आपका जो है यहाँ पे सैलरी होने वाली है। और एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 18 से 30 वर्ष और SC/ST के लिए 18 से 35 वर्ष, OBC नॉन क्रीमी के लिए 18 से 33 वर्ष यहाँ पे आपका एज जो है रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। इस पद का जो नाम है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी एक तरह से आप समझिए जूनियर असिस्टेंट इसको बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर ऑपरेटर भी बोला जाता है, क्लर्क भी इसे बोला जाता है। तो 3 नाम इसका है, तीनों का काम एक ही है। चलिए आगे बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। इसका जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मैं आपको जो एक फॉर्म लाइव फिल करके बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए। और साथ ही साथ वीडियो पसंद तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो फ्रेंड्स फॉर्म फिल करने के लिए मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे dshelpingforever.com की वेबसाइट पे। यहां पे आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहां पे जो है आपका लास्ट डेट जो होगा 15 अगस्त 2021 तक आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिल करने का। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी के लिए ₹200 लगेगा, SC/ST EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको ₹1 एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। 18 से 35 वर्ष यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज रखा गया है। कैटेगरी वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि 12वीं पास होना चाहिए आपको, जो है 40% कम से कम मार्क्स होनी चाहिए 12वीं में। और उसके बाद बोला गया है कि आपको जो है 6 महीने का कम से कम जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर में होनी चाहिए और MS Word, MS Excel, पावर पॉइंट का जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा फुल नोटिफिकेशन का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये 7 पेज का जो है PDF नोटिफिकेशन है। आप जो यहाँ पे एक बार आवेदन करने से पहले जरूर इस नोटिफिकेशन को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो आपको ओवरऑल जानकारी सभी बता दिया है और यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भी जानकारी है पहला स्टेज में कौन सा एग्जाम लेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेंगे, यहाँ पे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना। ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स जो है पूरे ऑल इंडिया के लिए नहीं है, कुछ जो है यहाँ पे लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो मैं आपको अभी जो आगे चलकर क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे आपको जो अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अब कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको जो है इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको चूज करना है। तो देखिए यहीं पे बात आती है, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम शो कर रहा है, देखिए डिस्ट्रिक्ट है अदर स्टेट के, तो इसी डिस्ट्रिक्ट के लोग केवल यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो आप अगर इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप डिब्रूगढ़ के हैं तो आप डिब्रूगढ़ यहाँ पे चूज करेंगे और वहां का जो है डिस्ट्रिक्ट का जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना होगा, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इसी डिस्ट्रिक्ट से जो आपको इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है अपना इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है उस डिस्ट्रिक्ट का जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्या है कि इसमें जो है आपका तिनसुखिया, देखिए यहाँ पे तिनसुखिया का ऑप्शन है, तो ये जो है एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन आपको मैंडेटरी है। आपको अपना इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज जो भी रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखेंगे, किस पद के आवेदन कर रहे हैं तो एक ही पद आएगा, जूनियर असिस्टेंट जो कंप्यूटर ऑपरेटर है आप चूज करेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। उसको जेंडर आपको बतानी है, मेल फीमेल कैटेगरी बतानी है, आप जनरल हैं या जो है आप अदर ओबीसी हैं या जो है आप यहाँ पे SC/ST हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है कि आप जो है इंडियन है क्या है, और ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं। अगर आप ओबीसी चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे यस नो का जवाब देना होगा। अगर आप जो है दिव्यांगजन है, विकलांग है तो यस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जानकारी पूछ जाएगी दिव्यांगजन के लिए, नहीं है तो नो करेंगे तो ये देखिए डिसेबल्ड हो गया सब चीज। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप इंटरनल ऑयल कैंडिडेट्स हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड में तो यस करेंगे था नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं एनी डिपार्टमेंट में या PSU में, अगर हैं तो यस करेंगे था नो करेंगे। WCL हैं ऑफ इंडियन ऑयल लिमिटेड के तो अगर यस करेंगे था नो करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आनी है, यहाँ पे आपको पूछा गया कि आपने जो प्रीवियसली जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें आपने आवेदन किया था कि नहीं किया था, आप यस नो में बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से जो अपना डेट ऑफ बर्थ को चॉइस करेंगे, उसके बाद इसको टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे जो OTP जाएगा OTP को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा।
ओटीपी फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा साइनअप का ऑप्शन, आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पे देखिए सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड है कि सिंगल है आपको बतानी है, उसके बाद आपको जो अपना यहाँ पे जो बेसिक जानकारी एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है बता देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर बतानी है, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपको बताना होगा, उसमें से कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू आई है आपको बतानी है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड भी करना है, उसमें से अगेन आपको टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे 12वीं का डिटेल्स पूछा गया, सबसे पहले बोर्ड का नाम लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपने क्वालिफाई है, उसके साथ पासिंग आपका क्या रहा है 12वीं का परसेंटेज कितना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो पीडीएफ में अपना जो है मार्कशीट को अपलोड करना है तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका मार्कशीट है उसे चूज करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली लिख दिया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, अपलोड करना है। उसी तरह से आपको जो है कंप्यूटर के बारे में बतानी है कि आपने जो डिप्लोमा किया हुआ है वो आप जो है एडीसीए किए हुए हैं या जो है डीसीए केवल किए हैं, जो डीसीए 6 महीने का होता है, जो भी आपने कोर्स कर रखा है जिसका जो भी नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे चूज करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके से कब आपने पास आउट किया है ये आपको बतानी है, उसके बाद उस सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे चूज करेंगे और अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स इसको टिक करेंगे फिर से और फिर से आपको क्या करना है यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सारी जानकारी को, नहीं है वर्क एक्सपीरियंस तो छोड़ देंगे, इसको टिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको अपलोड करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में अगर आपके पास जो है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं तो उस केस में आप जो है 10वीं क्लास का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपको जो डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फोटो क्या करना है यहाँ पे चूज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका फोटो को चूज करना है जिसे ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फोटो का जो साइज होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 150 पिक्सल 100x150 पिक्सल का होनी चाहिए। उस तरह से आपको यहाँ पे सिग्नेचर को क्या करना है चूज करना है और उसके बाद सिग्नेचर को यहाँ पे ओपन करेंगे, 50x50 का सिग्नेचर रखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का आपको जो सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या करेंगे चूज करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये भी अपलोड हो जाएगा। आपको इसको फिर से जो है अंडरटेकिंग करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू खुल जाएगा, मतलब जो है आपको मिला लेनी है जो भी आपने जानकारी फिल किया है सब चीज सही नहीं है, अगर सब चीज सह रहा तो आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपको फिर से ओके करना होगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे बोला गया कि सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है, आपका जो है यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है पैड और फी जो आपका एग्जेप्शन है, मतलब जो है आपको फी नहीं जमा करना है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है एससी एसटी और जो है ईडब्ल्यूएस यहाँ पे चूज किया था, फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। अगर आप जनरल और ओबीसी से अगर आप आते, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया एप्लीकेशन फी के बारे में, देखिए आपको एप्लीकेशन फी देना है जनरल ओबीसी के 200 रुपये लगेगा और इतने कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। तो उस केस में जो है आपको जो है अगर आप जनरल ओबीसी जाएंगे तो आपको मेक पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे फाइनल सबमिट होगा, तो आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करने का जो ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको फॉर्म को फिल करना है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी। वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा और कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।